हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं छाछ मसाला। इसे आप दही पकौड़े सभी में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बर्तन में साफ पानी लेना है और इसमें हरी धनिया को अच्छी तरह से धो लेना है। एक से दो बार हम अच्छी तरह से धनिया धो लेंगे, क्योंकि जो भी इसमें मिट्टी है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए और जो भी इसके पीले और ख़राब पत्ते हैं उन्हें हम पहले ही अलग कर लेंगे। थोड़ी देर किसी टोकरी में रख देंगे जिससे धनिया का पानी निकल जाए। अब किसी साफ कपड़े से धनिया का पानी अच्छी तरह से पोंछ लेंगे जिससे धनिया में पानी ना रहे। अब हल्के हाथों से इस तरह से धनिया का पानी पोंछ लें। दो तीन हरी मिर्च लेंगे। अब एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें काट कर मिर्ची और धनिया को थोड़ा थोड़ा रफली काट लेंगे और जार में डालेंगे। और अब मैंने 4-5 बड़ी चम्मच टाटा नमक डाला है। अब इसे ढक्कन बंद करके इसे पीस लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसे थोड़ा सा चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे जिससे महीन धनिया पीस जाए। अब मैंने फिर से ढक्कन बंद करके 1 से 2 मिनट पीस लिया है। इस तरह से चम्मच से चलाकर 1 मिनट और पीसेंगे। अब धनिया पीस चुकी है, इसे एक प्लेट में डालेंगे। अब हम 2-3 चम्मच नमक जार में डालेंगे जिससे ये जो गीली धनिया है जार में वो भी निकाल सकें। इस तरह से 1-2 बार नमक डालकर सारा धनिया जार से निकाल सकते हैं। अब मैंने 2-3 चम्मच नमक डाला प्लेट में। अब इसे धनिया में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्लेट में फैला कर रख देंगे जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अब हम इसे धूप में रख देंगे जिससे ये अच्छी तरह से सूख जाए। आप चाहो तो पंखे की हवा में भी सुखा सकते हो। यहाँ मैंने पूरे 1 दिन की धूप में इसे सुखा लिया है। ये 1 दिन की पूरी धूप में सूख करके इस तरह से हो गई है। अब ये अच्छी तरह से सूख गया है। इसके जो बड़े बड़े पार्ट दिख रहे हैं इसे आप हाथ से दबा करके यूज कर सकते हैं। अब इसे कंटेनर में स्टोर करके महीनों तक आप यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि छाछ मसाला बनाया है तो छाछ बनाकर दिखाना तो बनता है। 1 गिलास छाछ, उसमें आप 3 से 4 आइस क्यूब डालें, फिर आधा चम्मच छाछ मसाला जो भी हमने बनाया है, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है। अब इसे मिक्स करेंगे। हमारी छाछ बनकर तैयार है और इसे एंजॉय करें। इसी तरह से दही में भी थोड़ा सा क्रश करके आप छाछ मसाला डाल सकते हैं, पकौड़े में भी डालें। बिलीव मी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। इस सिंपल तरह के छाछ मसाले के आप फैन हो जाओगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।